अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ ग्रेड फोर मैथमेटिक्स कोर्स एंड आई एम योर टीचर मिस मैविश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल। द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ 6 एंड 3 हो। स्क्वायर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक लेंथ की जरूरत होती है, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर इज अ फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, वेयर इज रेक्टेंगल इज अ फिगर हुज टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज वाई द लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। ठीक है, लेंथ जो होती है हमेशा हॉरिजॉन्टली होती है, हॉरिजॉन्टली लाइन जो रेक्टेंगल होती है वो लेंथ होती है। द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू विल डू टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ड्रॉ लाइन ए बी दैट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, After drawing the line, the second step is make an angle of 90 degree at point A and B both. Angle बनाएंगे with the help of protractor. At point A पे आपने एक 90 degree का angle बनाया है, उसको dotted line से increase कर लिया, arrow लगा के उस line को आपने close करें, उस line को name दे दिया AP. Similarly at point B आप दोबारा से एक 90 degree का angle draw करेंगे, ठीक है, उसको भी वही स्टेप्स करेंगे लाइक एज यू डिड विथ पॉइंट ए। लाइन ड्रॉ कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एरो से लाइन क्लोज कर देंगे, नाम दे देंगे बी एंड क्यू। ठीक है, आफ्टर मेकिंग एन एंगल द थर्ड स्टेप इज ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ सेंटर ए एंड बी। ए और बी पे हम आर्क मैंशन करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे विच इंटरसेक्ट द लाइन ए पी एंड बी क्यू। हम अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे लाइक दिस, ठीक है, और फिर यहाँ पे एट पॉइंट ए एक आर्क ड्रॉ करी, एट पॉइंट बी हमने सेकेंड आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, जैसे ही आर्क ड्रॉ होंगी ये लाइन ए पी को एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को आप नेम दे देंगे सी। लाइन बी क्यू को इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को आप नेम दे देंगे डी। After giving the names, what you will do, join the points of intersection C and D. जो intersection point है इनको हमने join कर दिया, ठीक है, we will got a shape of rectangle. A, B, C and D is the required rectangle. ठीक है, अगर आप इसको measure करना चाहें तो exactly it is a 6 सेंटीमीटर, so opposite line is also a 6 सेंटीमीटर। ठीक है, similarly the width is 3 सेंटीमीटर and the opposite one is 3 सेंटीमीटर। This is how we constructed rectangle. ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग इट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल ना। सो हेट इज हाउ टू फाइंड द पैरामीटर। द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को हम एल से मैंशन करेंगे, ब्रेथ को बी से मैंशन करेंगे, लेंथ की जगह पर लेंथ की मेजरमेंट प्लेस करेंगे, ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ की मेजरमेंट प्लेस करेंगे। 6 प्लस 3 आर इक्वल टू 9, then 9 is going to multiply with 2, 2 9s are 18 centimeter. This is how we find out the perimeter of rectangle with the help of this formula. Okay, and in the beginning of this chapter I told you that we will find the perimeter of any figure by adding all the sides of a rectangle now. So without formula we can also find the perimeter of rectangle. How? We will add all four sides AB plus BD plus CD plus AC. ऑल फोर साइड्स को हमने लिखा, उसकी प्लेसमेंट की, उसको मेजर किया, डेट इज ऑल्सो 18 सेंटीमीटर। बट इफ वी हैव अ फॉर्मूला एंड वी नो द फॉर्मूला, सो वी शुड फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल को पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंड द रिमेनिंग वन जो है उनकी साइड जितने भी अलग हैं, रोम्बस है, डायमंड है एंड यू कैन से कोन है, हेक्सागन है, ट्रायंगल है, इन सारी की शेप्स की हम साइड्स जो हैं प्लस कर लेंगे तो हमें पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर टुडेज वर्क। थैंक यू।